केजरीवाल बिल्कुल ईमानदार नेता है, वो अपनी छवि का बिल्कुल ईमानदार। जो चीज हमारे लोगों को, गरीब लोगों को जो इन 10 सालों से पहले नहीं मिली, वो चीज अब मिली इन 10 सालों के अंदर। जैसे कि स्कूल मिले, जैसे कि बिजली मिली, बिजली की यहाँ बहुत कमी थी। जब औरतों का किराया माफ कर दिया, केजरीवाल जी रिपीट कर रहे हैं और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, बिल्कुल बनेंगे। खुश है, देखिए अगर केजरीवाल सरकार या हमारा MLA अगर कोई काम नहीं करता तो दोबारा नहीं जीतते, दोबारा सरकार नहीं बनती। किसी BSP तो सरकार बनी है बहुत अच्छा, और आम आदमी पार्टी जीतेगी है। हाँ, आम आदमी पार्टी जीतेगी है। जीतेगी। क्या नाम हुआ आपका? कैसर आलम। कैसर भाई, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? आम आदमी पार्टी जीतेगी है। जीतेगी। एक बात होता है, ये ओखला हम लोग शाहीन बाग में है, कितना डेवलपमेंट हुआ है शाहीन बाग का? देखिए जो है आप लोगों के सामने में है, किसी पब्लिक से पूछने से कोई फायदा है नहीं। पब्लिक ही तो बताएगी, पब्लिक तो देख रही है, आप भी देख रहे हैं, सब दिख रहा है, सभी को देख रहा है, खुश है। हाँ सब खुश है। जहाँ जब औरतों का किराया माफ कर दिया। कितना डेवलपमेंट किया केजरीवाल सरकार ने? डेवलपमेंट तो बहुत किया भाई, अच्छा खासा डेवलपमेंट कर दिया। पूरी दिल्ली जानती है, पूरी दिल्ली में डेवलपमेंट कर दिया उन्होंने। खुश हैं आप? हाँ हम तो खुश हैं भाई। हमारा नाम सर आपका? मेरा नसीम अहमद है। नसीम भाई, क्या माहौल है ओखला का? माहौल बहुत अच्छा, और आम आदमी पार्टी जीतेगी है। हाँ, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस तो पहुंच जाएगी 4th नंबर पर। काउंसलर आपकी कांग्रेस की है? अरे नहीं, कांग्रेस से बताओ कहाँ झाड़ू लगवाई है, जरा एक झाड़ू बता दे हमें। कांग्रेस आए के हैं? हाँ है के हैं, है का काउंसलर बता दे। 10 साल में विधायक ने क्या काम? विधायक तो काम कर रहे हैं, सीवर डाल रहे हैं, सारी कुछ कर रहे हैं, हैं एजुकेशन पे मामला हो रहा है, पढ़ाई पे मामला हो रहा है, बच्चों दवाइयों पे मामला हो रहा है, और आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है कि यहाँ अमानतुल्ला खान काम ही नहीं किए, बहुत कुछ कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, गलियों गलियों में काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर पूछ रहे हैं, घर घर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम कर रहे, वो अपने अंजाम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है शाहीन बाग में कितना डेवलपमेंट हुआ अमानतुल्ला खान के रीजन में? जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और विधायक अमानतुल्ला खान बने हैं, तब से 75 साल के अंदर जो काम नहीं हुए थे वो काम अमानतुल्ला खान ने किए हैं। सड़कें बनाई हैं, सीवर डाले हैं, स्कूल बनाए हैं बेहतरीन वाले, बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए हैं, कोई ऐसा काम बताए BJP जो उसने किया हो। और अमानतुल्ला खान के और आम आदमी पार्टी के इतने काम हैं कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे सर। 10 साल के कार्यकाल को फिर से रिपीट आप लोग करने के मूड में? करने के मूड में भाई, हाँ, और इतने हम खुश हैं। देखिए अगर केजरीवाल सरकार या हमारा MLA अगर कोई काम नहीं करता तो दोबारा नहीं जीतते, दोबारा सरकार नहीं बनती। किसी BSP तो सरकार बनी है। जो चीज़ हमारे लोगों को, गरीब लोगों को जो इन 10 सालों से पहले नहीं मिली, वो चीज़ अब मिली इन 10 सालों के अंदर। जैसे कि स्कूल मिले, RW की सेक्रेटरी भी है, जैसे कि स्कूल मिले, जैसे कि बिजली मिली, बिजली की यहाँ बहुत कमी थी, ट्रांसफार्मर की वजह से बिजली मिली, स्कूल मिले, हॉस्पिटल मिले। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मीडिया में जिस तरह से चलता है कि अमानतुल्ला खान गुंडा है, भाजपा कहती है गुंडा है, आप यहाँ के लोकल हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं अगर आप गुंडा है कि मसीहा है, ये सिंपल मेरी बात नहीं, मैं बात नहीं, मैं अगर मैं आपको कुछ कह लगूँ, कुछ इल्ज़ाम लगा लगूँ बेमतलबी, तो आप लायक हो जाएंगे? अगर मैं आपको कहूँ आप गलत हैं, अगर आप गलत है नहीं, खामोखा इल्ज़ाम लगा, आवाम है, आप सच बताइएगा ना, गुंडा है कि मसीहा? अरे भाई मसीहा है, गुंडा क्यों होता है? बेहतरीन आदमी, बस क्या गरीबों का मसीहा आदमी है। हाँ बिल्कुल गरीबों का मसीहा है, उनने बहुत हमदर्दी करी है लोगों के साथ में, गरीबों के बहुत हमदर्दी करी है, बहुत इलाज कराए, अपोलो जैसे हॉस्पिटल में इलाज कराए। बताइए कौन से आदमी ने आज तक जो बने हैं MLA, उनने किसने बताइए इसमें अपोलो में इलाज कराया? उस आदमी ने कम से कम हजारों आदमियों का, गरीब आदमियों का सबका इलाज कराया उस आदमी ने, अब भी इलाज करा रहा, सुबह भी इलाज कराने के लिए किसी आदमी को लेके गए अपोलो। ऐसा नहीं है कि वो इलाज नहीं करा रहे, सब जगह जहाँ ईमानदार नेता है केजरीवाल, बिल्कुल ईमानदार नेता है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, बिल्कुल बनेंगे।